सो हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइज, यहाँ पे मैं डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि तीन ग्लूअल में से आपको कौन सी ग्लूअल लेनी चाहिए। तीनों ग्लूअल का कंपेयर वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूँ, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स वाला होने वाला है। और यार, आप देखोगे ना तो इवेंट सेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक कलर का लुक आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैं बताऊँगा गेम प्ले में आपको कैसी देखने के लिए मिलेगी। ओके, मतलब कि गेम के अंदर आपको कैसी दिखाई देगी, तो वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ यार, इस कंपेयर वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे डाल देना। ताकि पहला ग्लूअल है न्यूक्लियर बंकर ग्लूअल, तो इसका मैं आपको डिटेल्स पहले दे देता हूं। तो एकदम लेजेंडरी ग्लूअल है, क्योंकि इसके ऊपर येलो वाली लाइन आती है। और इसकी मैं आपको और डिटेल्स दे दूं तो ये टॉप अप इवेंट में हमारे आई थी, और एक बार यहाँ पे एक टूर्नामेंट चला था ब्रावलर बेज नाम का इवेंट, और जहाँ पर रिडीम कोड में भी काफ़ी बंदों को मिली थी। लेकिन तब के टाइम यार काफ़ी कम बंदों को पता था कि रिडीम कोड वगैरह आते हैं। ओके, उसके बाद रिडीम कोड का सीन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये सब चाहिए ना तो आपको पहले टारगेट फिनिश करवाना पड़ेगा। 4.5 लाख का टारगेट है, आपको पता होगा। उसके ऊपर पहले ही मैं वीडियो काफ़ी बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। पूरा वीडियो मैंने एकदम एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। अभी मैं ग्लूअल का कंपेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करूं यहाँ पे रेड ग्लूअल और ब्लू ग्लूअल के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा बंदे वही ग्लूअल लेने वाले हैं। मेरे ख्याल से 70-80% बंदे वही लेने वाले हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियर बंकर ग्लूअल है ना, जो कि लेजेंडरी है, एक ग्लूअल काफ़ी कम बंदे लेने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा इस ग्लूअल के बारे में। तो एक ग्लूअल देख लीजिए, अंदर की दोनों साइड से मुड़ी हुई है, तो आपको थोड़ा सा एकदम अच्छा कवर देंगी। और जो बाकी के बंदे हैं ना, वो रेड या फिर ग्लूअल ज़्यादातर बंदे लेने वाले हैं। तो अगर आप इस लेना चाहते हो तो इसको ले ही सकते हो। आगे मैं आपको बता दूंगा पर्सनल ओपिनियन मैं कौन सी लेने वाला हूँ। अभी मैं बात कर लेता हूँ पहले रेड ग्लूअल के बारे में। तो इसका मैं आपको गेम प्ले का स्क्रीनशॉट दे दूंगा, और न्यूक्लियर का तो भाई सेम टू सेम इसी टाइप की आपको गेम में भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो ब्लू एंड रेड वाली है ना, वो थोड़ी आपको डिफरेंट टाइप से देखने के लिए मिलती है। तो अभी मैं रेड की बात कर लेता हूं। तो इस ग्लूअल का नाम है आयरिस ड्रैगन ग्लूअल, और मैं इसकी आपको डिटेल्स दे देता हूं कौन से इवेंट में आई थी। तो ये आपको टॉप अप इवेंट में मेरे ख्याल से 1.5 या फिर 2 साल पहले देखने के लिए मिली थी, तो इसलिए आप इस ग्लूअल को रेयर ग्लूअल बोल सकते हो। लेकिन अभी मैं ज़्यादा बात करूँ तो ज़्यादातर बंदे ये वाले ग्लूअल को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लेने वाले हैं। ओके, आपको पता होगा इवेंट सेक्शन में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ओके, मतलब कि 7 में से आप कोई एक आइटम ले पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ पे गेम के अंदर का भी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, जो कि यार काफ़ी अच्छी ग्लूअल आपको देखने के लिए मिलती है। तो अगर आपको ये कलर अच्छा लगता है रेड कलर, तो आपको 100% यही वाली ग्लूअल लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शाइन भी यार काफ़ी बढ़िया मार रही है। लेकिन यार उससे पहले आप ग्लूअल, जो ब्लू वाली ग्लूअल है ना, उसको देख के आप रेड को चूज़ करना, क्योंकि यार मैंने जब गेम के अंदर देखा ना, तब मुझे जाके पता चला कि ब्लू वाली ग्लूअल यार काफ़ी बढ़िया है। तो इस ग्लूअल का नाम है ड्रैगन सील ग्लूअल, जो कि एक इवेंट में आई थी, जिस इवेंट का नाम है मेरे ख्याल से कुछ हंट इवेंट, ऐसा कुछ इवेंट का नाम था, और वो वेब इवेंट था। ओके, और उसमें आपको देखने के लिए मिली थी, कुछ आपको खुदाई वेदाई करनी थी डायमंड से लगा के। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ग्लूअल मिल रही थी। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ ये ग्लूअल के बारे में। तो ग्लूअल काफ़ी बढ़िया तो आप बोल सकते हो, लेकिन अब अभी यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अभी आप गेम मतलब कि गेम के अंदर देखोगे, तब जाके आपको पता चलेगा ये ग्लूअल कैसी है। तो यार ग्लूअल काफ़ी बढ़िया डिजाइन वगैरह, लाल ग्लूअल से आप रेड ग्लूअल से ज्यादा डिजाइनिंग वगैरह देख सकते हो। तो दोनों ही साइड आपको सेम टू सेम मतलब कि रेड में भी सेम देखने के लिए मिलता है, सभी ग्लूअल में ऐसा ही होता है। ओके, देख लीजिए। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ गेम के अंदर, देख लीजिए क्या ही शाइन मार रही है, देख लीजिए, मतलब कि पूरा ब्लू कलर का लुक निकल के आ रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया ग्लूअल है। तो अगर आपको एक कलर पसंद आता है, डिज़ाइन पसंद आती है, तो आपको यही वाली ग्लूअल लेनी चाहिए, क्योंकि गेम के अंदर भी आपको ब्लू कलर का एकदम परफेक्ट लुक आता है, और रेड कलर का तो यार कतई जहर है। ओके, तो अभी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कौन सी ग्लूअल लेनी चाहिए। तो यार रेड ग्लूअल का क्या सीन होने वाला है वो मैं आपको बता दूँ। जिस तरह से हमारा जोकर बंडल का हाल हुआ है ना, आपको पता होगा जोकर बंडल कितना ज़्यादा रेयर था, लेकिन जब से यार मैजिक क्यूब सबको मिला है, और मैजिक क्यूब के बंडल भी आए थे दिवाली के टाइम, तो उसके बाद यहाँ पे जोकर का सीन ही पूरा चला गया, आपको पता ही होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे रेड ग्लूअल का होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेड ग्लूअल जो है ना पहले आई थी, इसलिए यार रेयर बोल सकते हो गेम के अंदर। लेकिन यार आपको यहाँ पे ब्लू वाली लेनी चाहिए। ओके, तो ब्लू वाली ग्लूअल को मैं वोट मतलब कि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ओके गाइस, और जिसको यार पसंद है रेड कलर की ग्लूअल, या फिर आपके कलेक्शन में अगर कोई रेड वाली थोड़ा सा भी रेड कलर का ग्लूअल का लुक है, तो आपको ये ब्लू लेनी चाहिए। अगर आपके कलेक्शन में ग्रीन कलर की है या कोई ग्लूअल या फिर ब्लू वाली है, तो आपको रेड वाली लेनी चाहिए। ओके, आपको कलेक्शन का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह से आपको ग्लूअल का सजेशन देता हूँ मैं। और राइस्टार भी आपको पता होगा ये ब्लू वाली यूज़ करते हैं, सभी काफ़ी बंदे कॉमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।